सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश को नाकाम किया गया है। सीआईएसएफ जवानों ने 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। नकली आधार कार्ड दिखा करके घुसने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, जिसे सीआईएसएफ ने तीनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश को नाकाम किया है सीआईएसएफ के जवानों ने, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और कासिम, मोनिस और सोएब, ये 3 नाम बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ा गया है। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन थे ये लोग, क्या मकसद था इनका? देखिए, बिल्कुल 4 जून का ये पूरा वाकया है। संसद की अब पूरे तरीके से जो है वो अंदर का जो काम है वो चल रहा है। वीवीआईपी एंट्री से लेकर जो एमपी एमएलए एमपी के लिए जो लाउंज बनाए जा रहे हैं उसके अंदर जब ये मजदूर काम करने के लिए जा रहे थे तो फ्लैप गेट पे सीआईएसएफ के जो जवान जो लगातार पास चेक करते हैं, आईडी चेक करते हैं, वहां पर ये चेक कर रहे थे। उसी क्रम में ये तीनों जो है वो नकली आधार कार्ड लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने इन तीनों को पकड़ा और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के हवाले कर दिया, जहां इनसे सघन पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने इस फौजर आधार कार्ड को कहां से बनाया था, कब से ये काम कर रहे हैं, आगे का इनका मकसद क्या था और किस तरीके से ये लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर कई बार इस तरीके से सवाल आते हैं और यही कारण है कि अब जो सुरक्षा है पार्लियामेंट की उसको और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। एक एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासेज हैं, उनको स्कैन किया जाता है, उसके बाद ही चाहे कोई भी मजदूर हो उसको अंदर एंट्री मिलती है। यही कारण है कि इस सेंधमारी को जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो रोक पाए हैं और इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां पुलिस जो है वो अभी जांच कर रही है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इनके मकसद क्या था और कब से ये यहाँ पर जो है इनके मकसद को जानने की कोशिश की जाएगी।